नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर। योगी के बयान पर प्रियंका का बड़ा हमला, कहा इतिहास में पहली बार सीएम ने जनता से बदला लेने की बात कही। सीए के समर्थन में पीएम मोदी ने शुरू किया ट्विटर कैंप पर, बोले नहीं जाएगी नागरिकता। इसमें बनेगा 1,00,000 टन प्याज का बफर स्टॉक, लोगों को मिलेगी महंगे प्याज से राहत। सीए विरोध प्रदर्शन और इंटरनेट बंद के कारण विदेशी पर्यटकों ने ताजमहल से बनाई दूरी। सेना ने अपने कर्मियों के फेसबुक और स्मार्टफोन इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। राष्ट्र में ड्रामेदार शपथगढ़, कहीं खुशी कहीं गम, किसी के गुनाह माफ तो किसी पर भड़के राज्यपाल। ।2019 में आईफोन ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना। कोहली को दशक की टेस्ट टीम का कप्तान चुना, भारत के किसी अन्य खिलाड़ी को नहीं मिली जगह। हाल के पुरस्कार मिलने पर बोले अमिताभ बच्चन, पैसे को पहचान मिलने पर मुझे गर्व है। ओआईसी में पाकिस्तान को बड़ा झटका, शामिल नहीं हो सकेंगे विदेश मंत्री।